ऐसे करके था पकड़ा हुआ ऐसे ऐसे करके थोड़ा रास्ता सही दिशा ऐसे करके होता था। हेलो गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइज आज मैंने ना पहना है मम्मी की शादी का कोट, तांबा इसको बोलते थे, शादी की ड्रेस यानी कि वेडिंग ड्रेस मम्मी की, इसको मैं स्टाइल कर रही हूँ आज। तो अभी जाता है ये, मेरे को पता है क्या मम्मी उस टाइम पे पतले थे तो ये मेरे को ठीक नहीं आ रहा है, मतलब मैं थोड़ी सी मम्मी के मुकाबले मोटी हूँ शायद जितने मम्मी थे, तो इसको थोड़ा सा लगाते हैं, थोड़ा सा जुगाड़ कुछ करते हैं और दिखाती हूँ दादी मम्मी को कैसे लगे। रबड़ से लगाना पड़ेगा बटन यार, रबड़ ढूंढना पड़ेगा, रबड़ 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 लग गया दिमाग हो तो मज़े ही मज़े हैं। ऊपर से हल्का सा डिफरेंस है 1-2 इंचेस का, दिखाती हूँ मम्मी देखो आपका लहंगा कैसा लग रहा है? क्या जच्चा है, जच्चा है हाँ? बढ़िया लगा ये देखो यहाँ पे बटन कैसे लगाया, रबड़ लाऊ हाँ रबड़ से लगाया हाँ। रबड़ लाई बढ़िया है, तो इतनी थी पहनती बोली ओके कमजोर है तो इतनी थी मैं इतने थे मेरे से थोड़े पतले होने आप और अच्छा लग रहा देखिए क्या हम देते बढ़िया लग पूरा है मम्मी ये छोटा है थोड़ा नहीं सो के गाची होते गाची होती थी सोने सोने मतलब इसमें पहनते थे चुन्नी बाहर से हां बाहर से जसदरी भी पहनते थे ना नहीं अगर जब मतलब मेरी होती ना जब शादी होती 12-5 शॉल अच्छा जो लाड़े बोने थी अच्छा शॉल डालते थे बाहर से हां बोले जब दुल्हन बनते थे जब दुल्हन बनते थे तब शॉल डालते थे फिर डाला शॉल शॉल का कलर ऐसे आगे पीछे सदरी पहनी हां ऊपर लगाया डंडू अच्छा शॉल कैसा होता था ऐसे रंग का हाँ जब दूल्हा ऐसे ऐसे नहीं जैसे भी है जो मर्जी शॉल जो मर्जी जो मर्जी दादी को दिखाती हूँ दादी बढ़िया डोम कैसा डब्बा बढ़िया बढ़िया लगा ये तो आके तांबा वो ठीक कोट भी ठीक ठीक है ऐसी थी मैं सदरी कोरी मोपो सदरी यूज कर ली होनी आपने ये देखो दादी और मम्मी को तो मैं बड़ी अच्छी लग रही हूँ इसको पहनने के लिए इसको दिखाता हूँ देखो कैसे लग रही हूँ मैं बहुत बढ़िया सच बोलो सच में बोलो ना यहाँ से ऐसे खुला ही होता था ये वाला भाभी शायद मैं भी आपके जमाने से देखो जी पर आप मेरे जमाने से पर यहाँ से तो है ना जेब होती है देखो इसमें ना जेब भी है देखो यहाँ पे अच्छा लग रहा है ना और मम्मी ने बोला कि इसके बाहर से पहनते थे सदरी भी पहन सकते थे इसके बाहर से और अगर आपने ऐसे जान तो ऐसे जान मतलब आज से 40 साल पहले मम्मी की शादी हुई लगभग और मम्मी इस ड्रेस में आए थे शादी करके अपने ससुराल और ऊपर से एक शॉल डाल था सिर के ऊपर और इस तरह से होती थी उस टाइम पे दुल्हन को उठाई की दुल्हन देखो ये ड्रेस पहन रही थी पूरा दिख रहा है और मेरे को हो सकता है ये थोड़ी सी छोटी हो क्योंकि मैं मतलब मम्मी से थोड़ी लंबी हूँ ना तो थोड़ी सी छोटी दो तीन इंच हाँ दो तीन इंच शायद थोड़ी और लंबी होती तो और अच्छा होता तो ये था देखो मम्मी की ड्रेस और मम्मी बोल रहे आप 2-3 इंच छोटे होते सॉरी मैं 2-3 इंच छोटी होती है मम्मी लंबी और मम्मी बोल रहे कि मम्मी ने ना सिर्फ एक दिन पहनी है ये वाली ड्रेस शादी के दिन उसके बाद मम्मी ने कभी भी नहीं पहनी है और धाटू तो मैं दिखाऊंगी वो जो धाटू है ना वो तो आज से कम 70 साल पुराना धाटू छोटी पता क्यों दादी की शादी का धाटू है तिल रही धाटू अभी पहनूंगी इसके साथ फिर पूरा लुक दिखाऊंगी आपको अच्छा बिंदी नहीं रही मैंने बिंदी लगाऊंगी गाची पहन लो छोटी गाची कैसे पहनते थे दादी से पूछो लो गाची पहनते थे क्योंकि पहनते थे मम्मी बोल रहे गाची पहनते थे मतलब एक कोई कोई भी दुपट्टा टाइप का कुछ ना यहाँ बांधते थे पेट में उसको बोलते गाची और मौसम देखो आज यार क्या मस्त मौसम हो रखा है वाओ देखो लेफ्ट टाइम लेफ्ट तो छोड़ो ये देखो कितना स्पीड में बादल ऐसे ही चल रहे हैं नॉर्मल स्पीड में ये है ना कितने सुंदर लग रहे देखो टाइम लेफ्ट रखूंगी ना हर कुछ जबरदस्त बनेगा बट इतना टाइम नहीं बन देर हो जाएगा फिर मेरी वीडियो बनने के लिए और ये मेरा ट्राईपॉड और ये देखो दादी का धाठू टेलर या धाठू जो मैं बोल रही थी ना आपको ये वाला ये दादी की शादी का है सोचो 70 साल लगभग 70 साल पुराना और कितना संभाल के रखते हैं मेरा 1 साल के पुराने का प्रभाव पता नहीं होता ये देखो उस टाइम पे ना मतलब डिज़ाइनिंग नहीं होती थी तो जो टेलर होता था वो ऐसे ही कलर्ड धागे से वो कर देता था ये देखो टेलर या धाठू बोलते थे उसको पहन के देखते ठीक है ये देखो जी फुल लुक बिंदी लगा देते हैं बिंदी रहेगी उस टाइम की दुल्हन की पूरी लुक है ये काले धाठू काला धाठू पहनते थे शादी में दादी कैसा है दादी बोले कैमरे में लग रही होती जी सामने तो बहुत अच्छी लग रही सोचो मैं वीडियो से अच्छी लग रही है मम्मी बोले कि अंदर साइड को पहनते थे पहले
जैसे मैंने अब पहना था, तो डाटू पहनने के भी दो तरीके हैं। अब बिंदी लगाती हूँ, झुमके भी लगाती कुछ। अब मैंने ये झुमके पहन लिए, मम्मी ने कहा कि झुमके पहन ले, और ये जो धाटू है ना, धाटू मैंने पीछे साइड को बांधा, देखो ऐसे करते ऐसे पहनते थे पहले, मम्मी ने थोड़ी और मेहनत कर ले, पूरी तैयार हो जा। अब गाची पहन ली हम, गाची अंधेरा हो गया बाहर। सदरी की नहीं बोलती, सदरी की दादी को भी दिखाती हूँ। ऐसे लगी अच्छी दादी बोल रहे हो, नई दुल्हन लग रही है ऐसे, क्योंकि पहले की दुल्हन ऐसे ही होती थी, देखो ऐसे ही जाती थी, तेल के धातु पहनती थी ब्लैक कलर का। शादी के दिन लगाने पड़ते थे वो, ये वाले दादी का है संभाल के शादी के दिन, फिर बोलते थे कि जब मेरी डेथ हो गई। दादी बोल रही ये लग रहा है बहुत ही बढ़िया, मम्मी ये बोला कि इसके साथ सदरी भी पहनते थे, सफाई किया कर थोड़ी, ये देखो ये बच्चों के लिए रखी हुई कम्बल हमने, है ना। कितने टाइम बाद सोचो खोला आज ये, मम्मी मम्मी के ट्रंक में था, मम्मी 38 साल से नहीं पहना था, है ना। मम्मी ने एक जिसकी सदरी हो गई, सदरी में गोगल हुई, जिन के शादी थी मम्मी ने जिन के पैर हो गए, एक दिन पहना मम्मी ने, एक ही दिन पहना मम्मी ने, शादी वाले दिन पहना है, शादी वाले दिन पहना होगा, शादी का दिन, शादी का दिन। उसका पता चीजें कैसी होती है, देखो मतलब फैशन चेंज हो जाता है ना, तो फिर कुछ टाइम बाद यहाँ कोट हाई में ये जो कोट और तांबा था ना, इनका फैशन शायद नहीं रहा होगा, फैशन का मारे ये दी जाती बंद शुरू में था, शादी के टाइम के लिए होता था, छोटी दादी उसके ऊपर वो मैं लाती हूँ पर शॉल, फिर मम्मी को तो मम्मी ऐसे करती है जिसकी काची पहनी थी ना वो डाल दो, वो ही होता था छोटी, ऐसे करके होता था पकड़ा हुआ ऐसे ऐसे करके, थोड़ा रास्ता सही दिशा ऐसे करके होता था, ऐसे दूर दादी दादी कुछ और क्या दादी बाजू शहरी गई बदरूनी मीरा गई नेहरा घाट इंदिरा गई चिड़ियाना ऐसी ड्रेसेस में, तो आपको पालकी में रुको भैया आई नहीं तो फिर कैसे रोना होता, मम्मी बोले हंसा नहीं रोना होता था, मम्मी मैं पूरी भैया आएगा तो कैसे अंकित बोल गया, अंकित देखो पुराने जमाने में शांति में कितना टाइम कितना चेंज होता था, टाइम के साथ चीजें बदलती है, और कोठे होते दादी बोले बोला व्हाइट व्हाइट कलर के चादर होते थे, पर ऐसे डिजाइन वाले शॉल थोड़े होते थे, नहीं होते थे शॉल, तौलिया होते मोटे बोटे जे तौलिया होते वो कोसरे कोसरे तभी शॉल ना थे वो शॉल होते थे। सच में ना टाइम देखो कितनी चीजें बदलती है टाइम के साथ, अब आज मैं से ना 87 साल बाद आज हम लहंगा पहनते हैं, 87 साल बाद पता नहीं क्या पहने और कैसा फैशन होगा, शिमला तो बाद यहाँ डेरो बाव तो सारे दो ही सिवर ना होने, दादी बोल रहे मैं तो शिमला भी पैदल गई यहाँ से, चौपाल भी पैदल गई, और मम्मी की बारात वगैरह मम्मी बुआ वगैरह जिनकी भी शादियां हुई है ना, तो यहाँ से लगभग लगता है उतना दूर तो नहीं है, मतलब कोटखाई का एरिया पैदल जाते हैं, चौपाल पहुंचे हुए पैदल, दादी मैं कोशिला दादी दूल्हा भी नहीं आता था बोर्ड पे, दूल्हा भी पैदल ही चलो तो फिर दूल्हा पैदल था वो फिर कभी उड़ा था, दादी तेरी जाति नहीं करनी चाहिए थी ना दादी, शादी के लिए तो घोड़ा लाना चाहिए था यार, जो बारात होते वो पालकी करते थे, जिनकी बारात होती थी वो पालकी, अच्छा जिनकी बारात होती थी ना तो वो जाते थे बोलते पालकी में, बाकी जाते थे सब ऐसे ही चुपचाप से ऐसे हाथ अंदर सॉरी ऐसे, बढ़िया आशीर्वाद।
तीन बार गले भी मिलते हैं, तीन बार गले मिलते हैं, तीन बार गले मिलते हैं। ये पूछो से मेरा बेब को ना नहीं कुछ पता है, नहीं पूछो दादी से। ए बेटा चौबा दादी से पूछो। चल दादी रोड गए थे ना मेरे कहीं रशो और ना था थे ब्रागड़ का जो फैशन ये बहुत पुराना है, मतलब यहाँ फैशन है ये तो कुछ छोट ले और दादी की छोटी कपड़े सुनूंगी, दादी कपड़े सुना रहे और ये कपड़े ना पहन के रखूंगी जब अंकित आएंगे ना तब चेंज करूंगी, ये वाले उतार क्योंकि भारी हो गए बहुत ज्यादा। कैसी लग रही हूँ नानी कुल्लू की, कुल्लू की नहीं कोट का ही कैसी लग रही मम्मी की शादी का नहीं है, मम्मी ने अपनी शादी में पहना था ये। हाँ शादी के बाद दूसरे दिन आज मैंने पहना ये वाला क्या अच्छा अंदर सूट है। हाँ अच्छा मेरा फोटो क्यों निकाला बचपन का, अंकित के बच्चों ने कटा देखो उन्हें बहुत निकाले थे मम्मी के भी शादी का। इसका धाटू भी पहना हुआ था, अब तो मैंने अपने रूप चेंज कर दिया ना, देखो कितने 11 बजे आ रहे थे आप, 11 बजे तो यही शक्ल नहीं। शजी ये मम्मा ने क्या पहना हुआ है, कल जाइए उसको क्या बाजार ये गांव में पहन के, सच में जाइए मार्केट से स्कूल तो नहीं पर ऐसे गांव में जाइए, गांव में दिखाएगी कैसा है रिएक्शन देखे लोगों का। हां ऐसे ऐसे हां सच में भाई कौन है क्या क्या हुआ जी, और नाशा का मैंने होमवर्क करवा लिया है थोड़ा सा बच्चा, इसका मतलब 1 या 2 मिनट का हार्डली तो वो करवाते हैं, उसके बाद फिर सुलाना भी है, सुबह स्कूल भी जाना है नाशा ने भी, और इसकी दूसरी नाटी। हां जी क्या देखो ये अभी तक मेरी प्यारी बेटी 20 रुपए दाम तोड़ने के आप मम्मा को देंगे एक्स्ट्रा पैसे क्योंकि मैंने आपका दाम तोड़ा था इनको, मैंने तो एंटी दे आपको 2 और 10 दिए 10+2 कितने हुए 10+2 11 12 12 अब बोलो 12 होते ज्यादा की 20 नहीं ना देखो ना बाप ने तो गलत बात कर दी ना, 12 होते ज्यादा की 20 होते ज्यादा 20 तो फिर आपने मम्मा को कम दिए पापा को ज्यादा दिए, मेरे को पता ही नहीं था कौन सा इनको चाहिए ठीक है मेरे रज्जू आज मिले और आज के ब्लॉग को भी करते हैं पर एंड, आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा और ये ड्रेस कैसी लगी ना सब लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। देखो ये ना मतलब आपको मैंने बताया ना एक तरह से ये विरासत ही है, धाटू तो दादी की शादी का था उनके जो धाटू पहना 35, 36, 37, 37, 38 साल पुराना 40 साल हो गए मम्मी 46 साल हो गए और दादी की ड्रेस को आप समझ सकते हैं 80 साल के लगभग, दादी की ड्रेस का है दादी का वो धाटू था। अच्छा अच्छा हां तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोग, और किसने ऑर्डर करना तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करें, आप देंगे बना के लोगों को। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलता है आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर एंड गुड नाइट।